बरेली जनपद में मादक पदार्थों की अवैध रूप से तस्करी करने वाले दो अभियुक्तों को थाना सीबीगंज पुलिस ने किया गिरफ्तार। उनके कब्जे से 20 ग्राम स्मैक बरामद की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के पर्यवेक्षण में थाना सीबीगंज पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान परधौली चौराहे पर हाईवे से दो अभियुक्त अफरोज पुत्र रहीश अहमद निवासी ग्राम मथुरापुर थाना सीबीगंज और दूसरा नदीम पुत्र यूनुस निवासी ग्राम मथुरापुर थाना सीबीगंज को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 10-10 ग्राम स्मैक व एक मोबाइल सुपर स्प्लेंडर रंग काला बरामद हुई। जिसके बारे में पूछने पर अभियुक्तों ने बताया कि वे स्मैक को तिलियापुर में बेचने के लिए जा रहे थे। थाना सीबीगंज में NDPS एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार चेकिंग के दौरान उप निरीक्षक इंद्रपाल सिंह, कांस्टेबल चंद्रपाल और अजय सिंह मौजूद थे। मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए गए अभियान में शासन स्तर से और थाना बरेली की सीबीगंज की तरफ से कार्रवाई की गई है, जिसमें मथुरापुर रहने वाले दो लोग अफरोज और नदीम, ये लोग दूसरों को स्मैक बेचने का काम करते थे और खुद भी इसमें संलिप्त रहते थे। उनका नेटवर्क तलाशा जा रहा है कि कहां कहां से वो लेकर आते थे और किस किस को वो सप्लाई करते थे। इनके पास से थोड़ी सी मात्रा बरामद हुई है, लेकिन हमें उम्मीद है जब इस पर कार्रवाई की जाएगी SOG और थाना प्रभारी द्वारा, तो और भी अधिक इसमें जानकारी मिलेगी। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पिछले दिनों यहाँ पर कार्रवाई में पकड़े गए हैं जनपद बरेली की ओर से। इनको नियमानुसार जेल भेजा जा रहा है और इनके पास से जो जनरल अमाउंट होती है उससे ज़्यादा इसमें प्राप्त किया गया है। जनपद सिद्धार्थनगर में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर सरला इंटरनेशनल एकेडमी सिद्धार्थनगर। मामला फिरोजाबाद के थाना रामगढ़ क्षेत्र के साती आश्रम बगीची के पास की है, जहां पर थाना उत्तर क्षेत्र के संतोष नगर निवासी सुशील कुमार पुत्र भीमसेन अपने बच्चों को सती वाली बगीची इंदिरा कॉलोनी थाना रामगढ़ स्थित स्कूल में छोड़कर लौट रहे थे। बताया जाता है कि एक बाइक पर दो युवक हेलमेट लगाए हुए थे, जिन्होंने आते ही फायरिंग शुरू कर दी। एक के बाद दो राउंड गोली चलाई, जिससे युवक घायल हो गया। दिन दहाड़े गोली चलने से अफरा तफरी मच गई। अपने आप को घिरता देख बदमाश तमंचा फेंक कर मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची थाना रामगढ़ पुलिस ने तमंचे को कब्जे में ले लिया है और पूरी घटना की जांच शुरू कर दी है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा सुशील कुमार। सुशील, क्या क्या घटना घटी आपके? मुझे नहीं मालूम, मेरे गोली मार दी है पीछे से। कौन लोग थे? बच्चों को छोड़ के आ रहा था, स्कूल छोड़ने गए थे। हाँ, वो भी इंदिरा कॉलोनी में ये गोली मार दी है, दो तीन लोग, तीनों ने। कौन लोग थे जानते हैं आपने? ये आज सुबह थाना रामगढ़ क्षेत्र में एक व्यक्ति को गोली मारे जाने का प्रकरण प्रकाश में आया है। उनको तत्काल ही जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया तथा इलाज चल रहा है। उक्त के संदर्भ में तहरीर प्राप्त कर अभी वो पंजीकृत किया जाएगा। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपितों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गई है। सर, मेरा नाम अनुपम गौतम। कौन सी जगह है ये? सजी आश्रम, रेफर रोड सजी आश्रम। अच्छा, ये क्या बात हुई अभी? ये अकस्मात ये गाड़ी से जा रहे थे, तो हम लोग तो रोड पर रहते हैं, एकदम आया, दो बंदे आए थे हेलमेट लगा के, उन्होंने तमंचा ताना और गोली तो चला दी, तो बंदा भाग गया, अपनी जान बचा कर। तो गोली किसी किस पर चलाई? ये सट्टा चौधरी बोलते हैं नाम, सत्ता उन पर चलाइए। पता लगा कौन लोग थे? नहीं नहीं नहीं, हमको ऐसा हम लोगों क्या पता। तो कितने फायर किए हैं? दो फायर किए। और मतलब उन्हीं पर चलाइए और किसी बता रहे किसी महिला पर भी? एक महिला है, वो क्या है कि बच्ची जा रही थी स्कूल, उसको बचाव के चक्कर में उसको पकड़ लिया था, उसकी वजह से लड़की पर गोली नहीं चलाई और वो लोग भाग गए। भाग गए, ये नहीं पता लग रहा कौन लोग हैं? नहीं नहीं। कितनी देर पहले की घटना है ये? अभी 20 मिनट पहले की घटना है। थाना कौन सा लगता है? थाना रामगढ़ लगता है इस साइड का, और इस साइड लगता है उत्तर थाना। तो जिनके गोली किसी लगी है वो कहाँ? वो शायद हॉस्पिटल ले गए।
डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड ब्रह्मापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड ब्रह्मापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड ब्रह्मापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड ब्रह्मापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। अटरू पंचायत समिति मुख्यालय के सभागार भवन में साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया गया। आयोजित बैठक की अध्यक्षता प्रधान वंदना नागर ने की। विकास अधिकारी बद्रीलाल मीणा ने बताया कि बैठक में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों ने शिरकत की। बैठक में खाद्य सुरक्षा, प्रधानमंत्री आवास, स्वच्छता मिशन, निर्माण, बिजली, चिकित्सा, शिक्षा जैसे मुद्दों पर प्रधान वंदना नागर ने अधिकारियों से समीक्षात्मक रिपोर्ट देने की कहा। बैठक में जिला परिषद सदस्य हेमंत नागर ने बताया कि विधायक पाना चंद मेघवाल द्वारा 4 करोड़ रुपया अटरू के विभिन्न स्थानों पर सीसी सड़क निर्माण के लिए दिए, मगर निर्माण विभाग अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाया है। जहां जहां कार्य हुए हैं वहीं अधूरे कार्य छोड़ दिए, जिससे आम जनता आहत हो रही है। बैठक में अटरू क्षेत्र की पंचायतों के सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, ग्राम विकास अधिकारी मौजूद रहे। इनको जानकारी देंगे जो हॉस्पिटल में क्या क्या बाधाएं आ रही है। ग्राम पंचायत बड़ोरा में जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्वीकृत है और इसमें पाइपलाइन, ट्यूबवेल और जो पुरानी टंकियां बनी हुई है उसकी रिपेयरिंग का हमने एस्टिमेट लिया हुआ था। इसमें फिलहाल कॉन्ट्रेक्टर अभी उसकी। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, डीजे साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रेवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर लड़के लड़कियाँ, वीआईपी वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता राम शांति पतंजलि केंद्र, बजरंग नगर, हनुमान मंदिर के पीछे, जलेसर रोड, फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप। बलरामपुर की तुलसीपुर में ट्रेडिशनल लाठी स्पॉट उत्तर प्रदेश की तरफ से बलरामपुर ट्रेडिशनल लाठी स्पॉट के बहुत जल्द ही प्रयास बलरामपुर जनपद में विजय सर को जनरल सेक्रेटरी बना दिया जाएगा। प्रयास है कि लाठी जैसे खेल बलरामपुर जनपद में खेल जल्द शुरू कर दिया जाएगा। यह पुराने परंपरा लाठी जैसा खेल शुरू किया जाए, जो कि यह लाठी खेल हमारे ब्लड में ही शामिल है। यह हमारी मिट्टी से जुड़ा हुआ खेल है जो कि कहीं ना कहीं गायब होता जा रहा है। इसीलिए प्रयास है लाठी जैसा खेल शुरू किया जाए, जो कि इनके ब्लड में विजय कुमार सर खानदानी परंपरा है। इनके विजय सर के दादाजी बहुत ही अच्छे जाने माने उस्ताद थे, जो कि नागेश्वर दादाजी, यह सालिक दादाजी बलरामपुर जनपद में बहुत ही लाठी के बहुत ही अच्छे टीचर थे। उसी सबको देखते हुए विजय सर अपने यही सब देखकर फिर आगे गेम बढ़ाना चाह रहे हैं। अपने पुराने धरोहर को बढ़ाने के लिए अपने बड़े सर से कहकर यह गेम लाने का प्रयास है। हजारों साल पुराना यह गेम फिर से शुरू किया जा रहा है। कम खर्चे में अच्छा इलाज कराएं नवजीवन हॉस्पिटल, 24 घंटे इमरजेंसी, अत्याधिक सुविधाओं से युक्त वादा, बेहतर स्वास्थ्य का डिलीवरी नॉर्मल एवं ऑपरेशन द्वारा कराने की सुविधा है। पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन एवं गुर्दे पेशाब की थैली में पथरी का इलाज दवाइयों द्वारा किया जाता है। हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद न आना, श्वास फूलना, पेट एवं छाती के रोगों का इलाज कुशल चिकित्सक की देखरेख में किया जाता है। पता, रेलवे लाइन के किनारे निकट दाल मिल, पैमेश्वर गेट, रेलवे पुल के पास, नया रसूलपुर, फिरोजाबाद। निदेशक श्री राम गोपाल परमा जी।
बरेली स्कूल बस में अचानक लगी आग, पल भर में आग का गोला बनी स्कूल बस। चालक ने कूदकर बचाई जान, बरेली से फिटनेस करवाकर शीशगढ़ जा रही थी स्कूल बस। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद। सीबीगंज थाना क्षेत्र की रामपुर रोड की कुछ देर पहले की घटना। बरेली से फिटनेस कराकर शीशगढ़ जा रही एक स्कूल बस में परसाखेड़ा रोड नंबर 4 तिराहे के पास पहुंचते ही उसमें अचानक आग लग गई। कुछ ही मिनटों में बस धू-धू कर जल उठी। सूचना पर सीबीगंज थाना इंस्पेक्टर ओम प्रकाश गौतम मय पुलिस फोर्स के साथ व परसाखेड़ा चौकी इंचार्ज विश्वदेव सिंह चौकी इंचार्ज के साथ मौके पर पहुंचे एवं फायर ब्रिगेड की सूचना दी। सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मौके पर आग पर काबू पाया। घटना के बाद रामपुर रोड पर जाम लग गया। बहेड़ी के मंडनपुर में स्थित मिशन अकेडमी स्कूल की बस फिटनेस कराकर शीशगढ़ जा रही थी। रामपुर रोड पर परसाखेड़ा रोड नंबर 4 के पास पहुंचते ही ड्राइवर देवेंद्र सिंह को आग लगती दिखाई पड़ी तो उसने गाड़ी से कूदकर जान बचाई। कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया और बस धू-धू कर रोड पर ही जल उठी। बस शीशगढ़ से स्कूल के बच्चे लेकर बहेड़ी जाती है। सूचना मिलते ही सीबीगंज थाना व फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग में बस पूरी तरह जलकर राख हो गई। यह बस श्री राम ट्रेवल्स की बताई जा रही है। माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल मैनपुरी चौराहा बजाज एजेंसी के सामने शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर एके राजपूत। बलरामपुर में आज के समय में हर व्यक्ति पढ़ लिख कर अपने आप को आर्थिक रूप से सुदृढ़ एवं मजबूत करना चाहता है। चाहे वह लड़के हो या लड़कियां, इनमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, किंतु संसाधन की कमी या जागरूकता के न होने की वजह से कई लोग पढ़ाई लिखाई के बावजूद बिना नौकरी के अपने माँ बाप पर बोझ बने हुए। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अंकलेश्वर तिवारी गर्ल्स इंटर कॉलेज तुलसीपुर में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें एक्सपर्ट के द्वारा छात्र छात्राओं को पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखा जाए एवं धीरे धीरे आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर कैसे बना जाए, यह सब शिक्षा दी गई। यह समारोह अखिलेश्वर तिवारी गर्ल्स इंटर कॉलेज एवं ब्राइट फ्यूचर कंपनी के युवा प्रकोष्ठ के प्रतिनिधि श्री ओमीरा सिंह द्वारा संचालित किया गया। इस समारोह में श्री ओमीरा सिंह द्वारा किशोरियों को किस प्रकार अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए आर्थिक तौर पर कुछ पैसे भी कमाया जाए, इस बारे में संबोधित किया गया। इस समारोह का मुख्य आकर्षण किस प्रकार छात्र छात्राएं पढ़ाई के साथ साथ अपना छोटा छोटा रोजगार भी खोल सकती हैं और अपने लिए कमाई के जरिए बना सकती हैं, रहा इस समारोह का सबसे आकर्षक तथ्य। यह था कि समारोह को संचालित करने वाले श्री ओमीरा सिंह आशीष सिंह स्वयं सिर्फ 17 वर्षीय युवा है, जिन्होंने लखनऊ से अपनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद दूसरों की तरह बाहर न जाकर बसने की वजह अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश अपने क्षेत्र में वापस आकर लोगों को भी आगे बढ़ने का जिम्मा उठाया है। और जितना मैं जानता था मेरी दीदी लोग थी, वो दीदी लोग भी अगर यहाँ रहती तो वैसा डेवलप ना हो पाती। अदरवाइज एरिया, आप एरिया देख सकते हो, या फिर लोगों की मेंटेलिटी वैसी नहीं है कि किसी फीमेल को इतना डेवलप करना चाहें। कुछ एरिया अलग है बट ओवरऑल मैं देखूँ तो करीबन 70-60% ऐसे केसेस होते हैं यहाँ पे जहाँ पे फीमेल को इतना डाउन, मतलब इतना आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। रियलिटी है, मेरा मोटिव यहाँ पे चीज़ आपको बतानी थी जो कि जरूरी होती है। यहाँ पे चौपर हो गए थे, यहाँ पे चौपर अभी जैसे मैं बात करने जा रहा था, बिजनेस यहाँ पे डेवलप करना चाह रहा हूँ। तो मोस्टली मैं अगर यहाँ पे आया हूँ तो किसी बेसिस पर आया हूँ, और वो बेसिस क्या है कि जैसे अभी मैं डीफार्मा कर रहा हूँ तो उसमें मोस्टली चीज़ें बताई जा रही हैं कि एलोपैथी इज बेटर, इज नॉट बेटर देन आयुर्वेदिक। तो आयुर्वेदिक सेक्टर को थोड़ा सा प्रमोट करना चाहता हूँ।
बरेली मादक पदार्थों की अवैध रूप से तस्करी करने वाले दो अभियुक्तों को सीबीगंज पुलिस ने किया गिरफ्तार। उनके कब्जे से 5.5 किलोग्राम अफीम बरामद की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक निर्देशन में जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के पर्यवेक्षण में थाना सीबीगंज पुलिस टीम द्वारा दिल्ली लखनऊ हाईवे पर क्राइम ब्रांच ऑफिस से पहले हाईवे किनारे एकांत में खड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी से दो अभियुक्त राजीव कुमार गुप्ता पुत्र स्वर्गीय छोटेलाल गुप्ता निवासी लाइन पार रोड कस्बा थाना फरीदपुर, दूसरा दलविंदर सिंह पुत्र स्वर्गीय काका सिंह निवासी नवादा वन थाना फरीदपुर को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 5.5 किलोग्राम अफीम, एक स्कॉर्पियो गाड़ी नंबर H14H4141 व दो अदद मोबाइल बरामद हुए। अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि वे झारखंड से अफीम लाकर पंजाब ले जा रहे थे। थाना सीबीगंज पुलिस ने अफीम के गिरफ्तार कर मुकदमा NDPS एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस टीम में उपनिरीक्षक विश्वदेव सिंह, उपनिरीक्षक हर सिंह पाल, हेड कांस्टेबल रुपेंद्र सिंह, कांस्टेबल कपिल और सुमित मौजूद थे। देखिए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली महोदय के निर्देशन में शासन की मंशा के अनुरूप अवैध जो NDPS तस्करी है उसका अभियान चलाया जा रहा था, उसी के क्रम में एक बड़ी सफलता मिली है। सीबीगंज पुलिस को SOG और उनकी टीम के माध्यम से चेकिंग लगाई गई थी मुखबिर की सूचना पर। तो ये लखनऊ दिल्ली एक जो हाईवे है, यहाँ पर क्राइम ब्रांच का जो ऑफिस है उसके पास सफ़ेद स्कॉर्पियो में दो व्यक्ति जो जिनका नाम राजीव कुमार और दलविंदर सिंह है, इनकी जब इनसे पूछताछ की गई, इनकी चेकिंग की गई, इनके पास से लगभग 5.5 किलो अफीम प्राप्त की गई, बरामद हुई इनसे। और ये जब पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये जो है इसको जो है अफीम जो है ये पंजाब लेके जा रहे थे। इनका पूर्व आपराधिक इतिहास भी है, उसमें भी वहाँ पर पंजाब में इनकी डेट लगी हुई थी और ये बड़ी बरामदगी है। इनसे पूछताछ में इन्होंने ये भी कबूला है कि ये इसका जो कच्चा सामान है, रॉ मटेरियल है, ये झारखंड से इन्हें प्राप्त होता था और अन्य लिंकेज भी हैं जिनमें हम काम कर रहे हैं और ये नियमानुसार माननीय न्यायालय भेजे जा रहे हैं। जनपद सिद्धार्थ नगर में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर सरला इंटरनेशनल एकेडमी सिद्धार्थ नगर। कोटा में एक पुजारी परिवार को न्याय न मिलने पर अखिल भारतीय वैष्णव बैरागी परिषद भी अब मैदान में उतर आया है। जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर 3 दिन का अल्टीमेटम। आपको बता दें, कोटा के पीड़ित पुजारी परिवार को न्याय नहीं मिलने और कोटा जिला कलेक्टर के कार्यालय के बाहर 3 दिन से धरना देकर बैठे पुजारी परिवार और कोटा संभाग सहित अन्य कई जिलों से धरना प्रदर्शन में आए समाज बंधुओं के द्वारा कोटा जिले के किशनपुरा तकिया के लवकुश बैरागी पुत्र सत्यनारायण बैरागी और उसके परिवार की महिलाओं और पुरुषों के साथ गांव के कुछ दबंगों द्वारा की गई मारपीट और पुजारी की मंदिर की जमीन को भी छुड़ा लिया गया है, जिसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई लेकिन रेलवे कॉलोनी पुलिस थाना द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिसको लेकर अखिल भारतीय वैष्णव बैरागी परिषद के प्रदेशाध्यक्ष भुवनेश शर्मा और वैष्णव बैरागी विकास सेवा समिति अध्यक्ष विनोद कुमार वैष्णव के नेतृत्व में पीड़ित पुजारी परिवार को न्याय दिलाने और पुजारी को जमीन दिलाने के साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में आज समाज बंधुओं के साथ धरना स्थल पर पहुंचकर कोटा जिला कलेक्टर से जर्रे मोबाइल फोन सूचना के वार्तालाप कर कोटा के उपजिला कलेक्टर को जिला कलेक्टर के नाम कार्यालय पर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। ये नया गांव पड़ता है, नया गांव तकिया, जिसका पुलिस थाना लगता है रेलवे कॉलोनी कोटा। ये पुजारी परिवार उस गांव में मंदिर की सेवा पूजा करता था, लेकिन वहां के कुछ असामाजिक तत्व हैं 2-5-7, उन लोगों ने इस परिवार को मंदिर से बेदखल कर दिया और उस गाँव के अंदर मंदिर है और उस परिवार का अकेला घर है। इसके घर पे CCTV कैमरे लगे हुए थे, गांव के जो सामाजिक तत्व है उन्होंने इसके घर पे जाके हमला किया
मकान के अंदर घुस के इसकी माता और बहनों और बच्चों के साथ मारपीट की, खुद के साथ मारपीट की। जब परिवार थाने के अंदर गया रेलवे कॉलोनी में, सीआई के द्वारा अभद्रता की गई एवं इसको न्याय न देकर इसके खिलाफ उल्टी कार्रवाई की, इसको बंद कर दिया गया, तो ये एक पुजारी के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। उसके लिए आज हमने हाड़ोती के जितने भी वैष्णव बैरागी समाज के बंधु हैं, समाज के सभी ने कलेक्ट्री पर 3 दिन से अनिश्चितकाल धरना दे रखा है, लेकिन प्रशासन बिल्कुल कान बंद करके बैठा हुआ है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम आईजी से मिले, कलेक्टर से मिले और सीएम मुख्यमंत्री जी को आवास में भी हमने ज्ञापन दिया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई है। और परिवार किस बात का था, कोई झगड़ा नहीं था, मंदिर की सेवा पूजा करते हैं और मंदिर की जो भूमि है उस पर इन लोगों की निगाह थी कि भाई ये करोड़ों की भूमि हो गई, इस पर कब्जा कर लिया जाए, इनको भगा दिया जाए। ये कुल मिला के असामाजिक तत्व हैं, कोई परिवार विशेष के लोग नहीं है, जाति विशेष के लोग नहीं है, गांव के ही कुछ गुंडे हैं वो इस तरह की घटनाएं कारित कर रहे हैं। ठीक है, नाम बता दें आपका। मैं भुवनेश वैष्णव, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय वैष्णव बैरागी परिषद राजस्थान। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंभापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंभापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंभापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंभापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। खबर बरेली से, जहां जाट रेजिमेंट सेंटर में चल रही अग्निवीर रिलेशन कोटा भर्ती में मंगलवार को फर्जी दस्तावेज लगाकर 2 लोगों ने भर्ती होने का प्रयास किया। इस दौरान जब उनकी बायोमेट्रिक फिंगर टेस्टिंग की गई तो पता चला कि दोनों लोग पहले किसी दूसरे नाम और पते के साथ सेना भर्ती के लिए प्रयास कर चुके थे। इसके बाद सेना ने पूछताछ के बाद आरोपियों को कैंट पुलिस को सौंप दिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 13 सितंबर को जाट रेजिमेंट सेंटर में अग्निवीर रिलेशन कोटा भर्ती के संबंध में आवेदकों के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्र दस्तावेजों की जांच प्रक्रिया चल रही थी। इस दौरान जनपद आगरा के थाना खंदौली के गांव भूड़ नगरिया निवासी धर्मराज पुत्र बलवीर सिंह और इसी थाना क्षेत्र के गाँव मदनपुर मुस्तकिल निवासी रंजीत सिंह पुत्र विजेंद्र सिंह भर्ती होने के लिए आए थे। शैक्षिक प्रमाण पत्रों के साथ जब उनका बायोमेट्रिक फिंगर प्रिंट लिया गया तो पता चला कि दोनों युवक 2021 में सेना की भर्ती देख चुके हैं और तब उनके नाम और पते अलग थे। शक होने पर जब सेना और आर्मी इंटेलिजेंस ने उनके साथ पूछताछ की तो पता चला कि धर्मराज पुत्र बलवीर सिंह के नाम भर्ती देखने वाले युवक ने 2021 में कन्हैया लाल पुत्र गोपी चंद निवासी आगरा बनकर सेना भर्ती देखी थी। माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का। पता मां भगवान देवी हॉस्पिटल मैनपुरी चौराहा बजाज एजेंसी के सामने शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर एके राजपूत। सहारनपुर रेलवे की नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाला भाजपा नेता प्रशांत गुप्ता देहरादून से गिरफ्तार। बताते चले कि थाना भवन निवासी कमल गोयल ने अभी हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रशांत गुप्ता उर्फ पवन गुप्ता का भांडाफोड़ किया था, जिसमें बताया था कि भाजपा नेता प्रशांत गुप्ता रेलवे की नौकरी लगवाने के नाम पर कई लोगों से लाखों रुपए की ठगी कर चुका है, जिसका डीबी भारतीय समाचार चैनल में भी समाचार प्रमुखता के साथ चला था, जिस पर संज्ञान लेते हुए शासन और प्रशासन ने तुरंत बड़ा एक्शन लिया और जनपद शामली के कप्तान ने थाना भवन पुलिस की एक टीम को प्रशांत गुप्ता की गिरफ्तारी के आदेश दिए। टीम को प्रशांत गुप्ता की लोकेशन देहरादून से मिली। पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए प्रशांत गुप्ता को देहरादून से गिरफ्तार किया और अपने साथ जनपद शामली थाना भवन ले आई।
देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। जनपद सिद्धार्थ नगर में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर सरला इंटरनेशनल एकेडमी सिद्धार्थ नगर। माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल मैनपुरी चौराहा बजाज एजेंसी के सामने शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर एके राजपूत। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, डीजे साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रेवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर लड़के लड़कियां, वीआईपी वेटर सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता राम शांति पतंजलि केंद्र बजरंग नगर हनुमान मंदिर के पीछे जलेसर रोड फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप। कम खर्चे में अच्छा इलाज कराएं नवजीवन हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी। अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का डिलीवरी नॉर्मल एवं ऑपरेशन द्वारा कराने की सुविधा है। पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन एवं गुर्दे पेशाब की थैली में पथरी का इलाज दवाइयों द्वारा किया जाता है। हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद न आना, श्वास फूलना, पेट एवं छाती के रोगों का इलाज कुशल चिकित्सक की देखरेख में किया जाता है। पता रेलवे लाइन के किनारे निकट दाल मिल पैमेश्वर गेट रेलवे पुल के पास नया रसूलपुर फिरोजाबाद। निदेशक श्री राम गोपाल वर्मा जी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।